जय हिंद दोस्तों मुझे बहुत सारे भाई कमेंट्स कर रहे थे कि यार भाई पहले अगर फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है तो री मेडिकल वालों का क्या होगा एडिशनल कैंडिडेट का क्या होगा लोग तो इसके बारे में सोच ही नहीं रहे मतलब हम तो ऐसे भर्ती से बाहर हो जाएंगे तो मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल देने वाला हूँ कि अगर पहले फ़ाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है मेडिकल फिट कैंडिडेट का तो री मेडिकल वालों का क्या होगा एडिशनल कैंडिडेट का क्या होगा इस बात को एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट समझाऊंगा और एकदम प्रूफ के साथ ठीक है पूरा प्रूफ दूंगा उसी के बाद हम बात करेंगे ठीक है ना तो पहले अगर फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है तो री मेडिकल वालों का क्या होगा एडिशनल कैंडिडेट का क्या होगा इस बात को आप पहले एकदम गौर से समझ लीजिए देखिए अगर सपोज करो कि मतलब मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ ठीक है ना आप वीडियो थोड़ा स्किप मत करना एकदम ठीक से देखना देखिए अगर अगर मेडिकल कैंडिडेट का उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ मेडिकल फिट कैंडिडेट का जो है फाइनल जो सिलेक्टेड कैंडिडेट मेरिट लिस्ट आ जाता है ठीक है तो आगे का प्रोसेस क्या होगा अगर समझ लीजिए कि आगे वाले महीना मतलब अगस्त महीने में मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ ठीक है अगस्त महीने में जो कि मेडिकल फिट कैंडिडेट का फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है ठीक है और मेडिकल फिट कैंडिडेट का जो uh, उसके एक महीने बाद ज्वाइनिंग भी हो जाता है हमेशा उदाहरण के तौर पर मैं आप समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ ऐसा बोल रहा हूँ ठीक है वो ज्वाइनिंग होने वाला कब होने वाला है फाइनल मेरिट लिस्ट कब आने वाली है वो मुझे बिल्कुल पता नहीं है अभी अभी तो बिल्कुल नहीं पता है ठीक है मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ अगर मेडिकल फ़िट कैंडिडेट का सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आ जाता है मेडिकल फिट कैंडिडेट का अगस्त महीने में तो उनका ज्वाइनिंग उसके एक महीना डेढ़ महीना बाद हो जाता है ठीक है ये तो हो गई फैक्ट की बात अभी जो रीमेडिकल वाले कैंडिडेट है नीचे वाले ठीक रीमेडिकल कैंडिडेट है जिनका रिवाइज रिजल्ट आता है ठीक है मेन बात है आप थोड़ा ध्यान से समझो इस बात को ध्यान से सुनो री मेडिकल कैंडिडेट जो होते हैं मतलब जो री मेडिकल कैंडिडेट है हमारे इनका रिजल्ट कैसे आएगा वो आएगा रिवाइज रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ देखिए अभी रिवाइज रिजल्ट क्या होता है ये पहले मैं आपको समझा देता हूँ अगर सपोज करिए कि कोई कैंडिडेट है जिनका भर्ती प्रोसेस शुरू था मेडिकल फिट हो गए सब कुछ हो गया और उनको किसी कारण की वजह से भर्ती से थोड़ा मतलब उनको बाहर रखा गया मतलब फेल नहीं किया है जैसे रीमेडिकल वाले फेल नहीं है लेकिन वो उनको कुछ दिक्कत है इस कारण से उनको री मेडिकल मिला है लेकिन वो भर्ती से बाहर तो है नहीं राइट तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि अगर रिवाइज रिज़ल्ट करते रिवाइज रिज़ल्ट अपलोड करते तो मैं आपको प्रूफ पे दिखाता हूँ ठीक है तो रुक में रुक जाओ दो मिनट अगर किसी का डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत आ गया ठीक है किसी ने केस कर दिया तो उनका जो मसला आता है वो थोड़ा डिले हो जाता है राइट थोड़ा डिले हो जाता है लेकिन उनका प्रॉब्लम जैसे ही कंप्लीट होता है उनका प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो एक रिवाइज रिज़ल्ट जारी करते तो री मेडिकल कैंडिडेट के लिए भी सेम रिवाइज रिज़ल्ट जारी हो सकता है अगर फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है मेडिकल फिट कैंडिडेट का री मेडिकल कैंडिडेट और एडिशनल कैंडिडेट को छोड़ के अगर फिट कैंडिडेट का फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है तो ए, जो रीमेडिकल वाले हैं और एडिशनल कैंडिडेट है उनका कौन सा लिस्ट आएगा रीमेडिकल वालों का आएगा रिवाइज रिजल्ट और जो एडिशनल कैंडिडेट है उनका सेकंड रिवाइज एडिशनल लिस्ट आएगा कैंडिडेट्स का ठीक है इन बातों को थोड़ा समझ लो अभी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ ये जो मैंने ये सब बातें बताई ये कैसे काम करती है ठीक है तो दोस्तों ये देखिए ये है मेरे पास सी के ऑफिशियल वेबसाइट से जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट का मैंने स्क्रीन ले लिया तो एस एस का दो वाले जो भर्ती थी ठीक है 2015 वाली जो भर्ती थी, थी उसका रिज़ल्ट आया था मेडिक मतलब फिट कैंडिडेट पूरा भर्ती प्रोसेस ख़त्म हो जाने के बाद जो रिज़ल्ट आया था वो आया था 6 फरवरी 2017 को ठीक है 6 फरवरी 2017 को इनका रिज़ल्ट आया था छः फरवरी दो हज़ार सत्रह को तो ये दख दो हज़ार पंद्रह वाली ही भर्ती का है ठीक है सी आर पी एफ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना वहाँ पे रिज़ल्ट का सेक्शन है वहाँ पे ये सब कुछ लिस्ट दी गई है आप अभी भी वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन अभी सी आर पी एफ़ का ऑफिशियल वेबसाइट बंद है ठीक है ये देख सकते हैं यहाँ पर किस डेट को ये रिज़ल्ट आया था और ये देखिए यहाँ पे एस एस सी जी डी का ही है और यहाँ पे ये सारा लिस्ट दिया गया है ठीक है लेकिन जो है मई के महीने में देखिए 31 मई 2017 को फिर से एक रिवाइज रिज़ल्ट जारी हुआ था ठीक है यहाँ पे आप देखो रिवाइज रिज़ल्ट ठीक है फिर से एक रिवाइज रिज़ल्ट जारी हुआ था कि 31 पाँच 2017 को वो इसलिए जारी हुआ था क्योंकि 2015 वाली भर्ती में भी सेम ऐसी ही सिचुएशन थी बहुत सारे कैंडिडेट का कुछ ना कुछ दिक्कत था अभी वो दिक्कतें क्या थी वो मुझे ज़्यादा नहीं पता क्योंकि मैं भर्ती से बहुत ही पहले बाहर हो चुका था ठीक है इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं पता था कि वो जो रिवर्स रिजल्ट था वो कौन से कैंडिडेट थे जिनको कौन सा प्रॉब्लम था ये तो मतलब हर उस बंदे को ही पता होता है जिनको प्रॉब्लम हुई थी ये हर किसी को नहीं पता ठीक है तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये ये वो बंदे थे जिनका डॉक्यूमेंट्स में कुछ दिक्कत आ गया था कुछ मेडिकल में दिक्कत आ गया था ठीक है कुछ कुछ बंदों को क्या है कि पाँच पाँच छः छः महीने का भी टाइम दिया जाता है मेडिकल की तरफ से कि उनका इलाज के कर, इलाज कराने के लिए ठीक तो है तो ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाता है तो उनका डॉक्यूमेंट जब सॉल्व हो जाता है उनका प्रॉब्लम तो उनका रिजल्ट रिवर्स रिजल्ट जारी करते तो सेम इन कैंडिडेट का 2015 वाले कैंडिडेट का जैसे रिवर्स रिज़ल्ट आया था तो वैसे ही री कैंडिडेट का रिवर्स रिज़ल्ट आएगा ठीक है अगर दो वाली भर्ती में अगर मेडिकल फिट कैंडिडेट का पहले रिज़ल्ट आ जाता है तो ऐसे ही सेम फिर से रिजल्ट जारी होता है अगर री मेडिकल वालों का ऐसे ही रिजल्ट जारी होगा रिवाइज रिजल्ट जिसे बोलते हैं ठीक है यहाँ पर देख सकते हो मैंने पूरा प्रूफ दे दिया आपको ठीक और और एक लिस्ट जारी हुई थी ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि 28 आठ 2017 को जारी हुई थी इसमें भी रिवाइज रिजल्ट ही है ठीक है तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि मतलब एक ही बार रिजल्ट जारी होता है नहीं आपको आप अगर सेना के लायक हो आप सेना में भर्ती होने वाले हो अगर आपके नंबर सीखे ठीक है आपका डॉक्यूमेंट्स ठीक है आप सब कुछ ठीक है आप हंड्रेड परसेंट फौज में भर्ती होंगे ठीक है तो दोस्तों ये एक और मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ ठीक है यहाँ पे लिखा है दिखे तेईस अगस्त दो हज़ार सत्रह का वो फाइनल मेरिट लिस्ट आया था दो हज़ार पंद्रह वाली भर्ती है ठीक है दो हज़ार पंद्रह वाली भर्ती इसमें लिखा गया है कि कॉन्स्टेबल जी डी इन सी ए पी एफ एन आई एस एस एफ राइफलमैन जी डी आसाम राइफल एग्जामिनेशन दो हज़ार पंद्रह सेकंड रिवाइज एडिशनल लिस्ट फॉर मेल कैंडिडेट इंक्लूड इन मेरिट लिस्ट तो ये एडिशनल कैंडिडेट है जिनको सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की गई है तेईस अगस्त को यहाँ पे जाके आप क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और उन कैंडिडेट्स के नाम भी देख सकते हो ठीक वैसे ही नीचे फीमेल कैंडिडेट का लिस्ट जारी हुआ है जिसमें वो नॉट क्वालिफाइड थे रिवाइज रिजल्ट में ठीक है उन्हीं के नीचे यहाँ पर भी जो फीमेल कैंडिडेट है जिनको इंक्लूड किया गया मेरिट लिस्ट में ये क्वालिफाइड है यह नॉट क्वालिफाइड है ठीक है उसी के नीचे और कैंडिडेट को रिवाइज एडिशनल रिजल्ट इंक्लूड इन मेरिट लिस्ट ठीक है मई महीने में आया है मई मही महीने में आया है ठीक है और फरवरी महीने में जो तो आया था वो तो पहले से ही था ये पहले ही लिस्ट था लेकिन ये बाद में आए थे ये वाले, ये वाले ये वाले ये सारे बाद में आए थे तो मैं ये सब आपको क्यों दिखा रहा हूँ क्योंकि एक बार नहीं आता है फाइनल मेरिट लिस्ट कम से कम तीन चार बार तीन चार बार आता है ठीक है तो मैंने इतना सारा आपको झंझट दिखाया जो जो प्रूफ थे सब दिखा दिया अगर मेडिकल फिट कैंडिडेट का फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है पहले तो रिवाइज रिजल्ट में री मेडिकल वालों का रिजल्ट आ जाएगा मतलब जैसे कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म हो जाएगा उसके बाद री मेडिकल लेकर जो कैंडिडेट फिट होंगे उनका रिवाइज रिजल्ट हो जाएगा राइट और जो एडिशनल कैंडिडेट उनका भी सेम रिवाइज रिजल्ट में ही नाम आ सकता है लेकिन उनका अगर और प्रोसेस डिले हो जाएगा अगर हो जाता है रीमेडिकल कारण क्योंकि एडिशनल कैंडिडेट को भी रीमेडिकल मिलेगा सब तो फिट नहीं होंगे राइट तो उनका जो लिस्ट आएगा बाद में सत्रह में से कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो मैं नहीं बोल सकता ठीक है तो एडिशनल कैंडिडेट जो है उनका सेकंड रिवाइज एडिशनल लिस्ट आता है ठीक है तो ऐसा प्रोसेस होता है एसएससी और सीआरपीएफ का तो एक आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मतलब एक बार अगर फिट मेडिकल फिट कैंडिडेट का रिवाइस रिजल्ट मतलब फिट कैंडिडेट का सिलेक्टेड लिस्ट अगर जारी कर देता है तो वैकेंसी खाली नहीं रहेगी और हम तो हमें हमारे के हमारे लिए तो वैकेंसी नहीं रहेगी तो हम सेलेक्ट कैसे करेंगे तो ये चिंता आप मत करो ठीक है ना 2015 वाली भर्ती में फरवरी महीने में ही साठ हज़ार वैकेंसी फुल हो गई थी फिर भी एडिशनल लिस्ट आई रिवाइज रिज़ल्ट आए तो वो कैंडिडेट का भी तो सिलेक्शन हुआ ना राइट तो ऐसा नहीं होता है डिफेंस के पास बहुत सारी वैकेंसी खाली पड़ी है अब अभी आपको पता है एक लाख से ज़्यादा वैकेंसी है सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी में खाली पड़ी तो एसएससी दो दिन में सब वैकेंसी खाली पड़ी वैकेंसी का डिटेल मंगा के इन कैंडिडेट को उस, उन खाली पदों पर भर्ती कर देता है सिर्फ गृह मंत्रालय से लेटर मिलने के बाद ठीक है ना तो ये ये चिंता आप मत करो ठीक है 2015 में हो चुका है एडिशनल लिस्ट आती है रिवाइज सेकेंड लिस्ट आती है रिवाइज रिजल्ट आता है तो इन बातों को बाद आप ज़्यादा टेंशन मत लो अगर अगर पहले फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है तो कुछ प्रोसेस इस प्रकार होगा जैसे मैंने आपको दिखाया ठीक है तो आपके सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए और ये जो वीडियो थी ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके क्वेश्चन के ऊपर थी कि अगर पहले सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ जाती है फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है मेडिकल फिट कैंडिडेट का तो री मेडिकल वालों का क्या होगा एडिशनल कैंडिडेट वालों का क्या होगा तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं उनका भी रिवाइज रिज़ल्ट आता है और सेकंड रिवाइज रिजल्ट आता है तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है और हो सके तो भगवान से एक दुआ करना कि पहले री मेडिकल हो जाए उसके बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट आए ठीक क्योंकि हम सब लोगों ने एक साथ एग्जाम दिया है एक साथ रिटर्न दिया है एक साथ हमारा रिज़ल्ट आया एक साथ हमने फिजिकल दिया है एक साथ मेडिकल दिया है तो हम एक साथ ही ज्वाइन होंगे तो बहुत अच्छा होगा राइट तो जो कुछ है मैंने सब कुछ जानकारी आपको दे दी प्रूफ के साथ और वो जो मैंने दो पी दिखाई जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई एस के वेबसाइट का और सी आर पी वेबसाइट का उन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाके आप उन पी वगैरह को डाउनलोड कर सकते हो ठीक है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी वो दोनों लिंक दे दूँगा वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और मुझे आप आप जो भी कुछ पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं सीखने और फ्री शीडियो के सब तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद